अभी हमारे सीतावार जी उनका स्वागत करेंगे। जगह दीजिए आने के लिए सागर को, कृपया करके पत्रकार भाइयों। हाँ, श्रीमान हरमल चिंतावार जी एवं सभी परिवार के सदस्यगण, श्रीमान वेडमा भोजू पटेल जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि, उनका सदस्य मिलकर वेडमा भोजू पटेल सर का स्वागत करते हैं। और ऐसे ही नवयुवा दुर्गा उत्सव समिति के पंडाल के सभी सदस्य गणों के तरफ से और बहुत बहुत अभिनंदन। इन्होंने अपने कीमती समय से समय निकालकर वो यहाँ आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपना जो समय कीमती समय से समय निकालकर यहाँ पर पधारे, उनका बहुत 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 खुशी की बात है। उन्होंने अपने कीमती समय से समय निकालकर यहाँ पर आए, उसके लिए पंडाल की तरफ से नवयुवा दुर्गा उत्सव समिति की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। सभी पत्रकार बंधु जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और वो यहाँ पर आए, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत आभार। कृपया शांति से लीजिए। यहाँ पर महिलाओं का स्थान लगाया गया है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। बेटा थोड़ा पास में जाकर बैठिए, जिसने खाना लिया है उठा करके बगल में जाकर बैठकर आराम से खाना खाइए। चलिए, के सौजन्य से श्रीमान अनमल चिंतावार जी के सौजन्य से किया जा रहा है और उन्हीं के हस्त कमलों से ये कार्यक्रम आरंभ किया गया है। उनके परिवार और कृपया करके महिलाओं के लिए अलग से प्रबंध किया गया है। सभी महिलाओं से निवेदन है, ध्यानपूर्वक शांति से इस पत्रकार का लाभ ले। उत्तराखंड से बच्चों भी निवेदन है, नीचे नाक के ऊपर न गिरे ऐसा भी ध्यान रखे, आराम से भेजना चाहिए, उनका खाना दे सकते हैं और बीच मंच में होना है उतना भी अनाज का नष्ट न हो ऐसा ध्यान सभी कार्यकर्ता रखे। सभी महिलाओं से निवेदन है, समय निकाल कर यहाँ आए, उनके आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी नवयुवा दुर्गा उत्सव समिति की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपने समय में से समय निकाल कर यहाँ पर आए।
दुर्गा उत्सव समिति की ओर से श्रीमान बेडमा भोजू पटेल जी का, जो हमारे लोकप्रिय खानापुर कॉन्स्टिट्यूशन के MLA साहब, उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके पश्चात हमारे सभी भाई और भक्तजन यहाँ पर आए हैं, उन सभी का नव युवा दुर्गा उत्सव समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत। और खाना जितना चाहिए उतना ही लीजिए, किसी प्रकार का खाना नष्ट न हो ऐसा ख्याल रखें। और खाना पहुंचने वाले सभी सदस्यों से निवेदन है कि बच्चों को देख